कृपया ध्यान दीजिए, हम सब पहुंच चुके हैं जयपुर जंक्शन और आज हमारी सवारी निकल चुकी है रणथंभौर के लिए। अभी हमारे सुबह के बज रहे हैं 9:30 और हमारी ट्रेन आने वाली है 9:45 पर। हम जस्ट 5 मिनट पहले पहुंचे हैं, तो मैंने सोचा फटाफट से शूट कर लेती हूँ स्टेशन की। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और ज़रा एक बार मेरे पीछे स्टेशन पर भीड़ देखिए। तो आज हमारी सवारी जा रही है रणथंभौर, तो मैंने सोचा चलो शुरू करते हैं स्टेशन से अपना ब्लॉग बनाना। तो चलिए, हमारी ट्रेन आती है, हम बैठते हैं और निकलती है हमारी सवारी रणथंभौर के लिए। हम दोनों की तरफ से एक क्वेश्चन है। मैं ये बोल रही हूँ कि हमारी सीट पर कोई ना कोई बैठा होगा, क्योंकि ये रूल है कि जिसकी सीट होती है उसके हमेशा कोई और बैठा होता है। और ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सीट है तो कोई और कैसे बैठ सकता है। तो हम नहीं बैठ सकते, ऐसा नहीं है, बैठे रहते हैं भाई। अब बैठे रहेंगे तो उनको उठाना मुश्किल होता है, क्योंकि नहीं तो हमें ये देखना है कि हमारी सीट पर कोई और बैठा है या नहीं। अगर बैठा है तो ये पार्टी देंगे, और नहीं बैठा है तो मैं दूंगी। वैसे तो 99% तो बैठे ही होते हैं, 1% है कि नहीं बैठा होगा। अब अगर कोई बैठा होगा तो उसको उठाना मुश्किल है, उठा पाओगे? हमारे पास हम भी ऐसे ही ट्रेवल कर रहे हैं। और ये देखिए, इनको कोई मतलब नहीं है ब्लॉग से, ये अपने फोन में बिजी है। और इनके पीछे का कीचड़ जरा देख लीजिए, जंक्शन कितना साफ है। ये देखो, साफ सफाई के नाम पे कुछ नहीं है यहाँ पर। गंदगी चाहे लोग कितना भी साफ करने की कोशिश कर ले, पर यहाँ सफाई रह नहीं सकती, फुल गंदगी है, गंदगी ही गंदगी है, सब तरफ से गंदगी। डस्टबिन दो दो रखे हैं, पर फिर भी लोग कचरा हमेशा रोड पे डालेंगे। ये रहे, तो बस हमारी ट्रेन आने वाली है, वो सब चलते हैं। 45 सही बोला है हमने। अब तो ये पहुंच चुके हैं कचौरी समोसा खाने के लिए। अब जरा आप सब कमेंट करके बताइए कि ये कितने महीनों पुरानी रखी होगी यहाँ पर, क्योंकि फ्रेश तो ये होती नहीं है बिल्कुल भी। देखिए यहाँ से प्याज की कचौरी। भैया कितने की है प्याज की कचौरी? प्याज की है ना, 30 रुपए की। और ये वाली कौन सी है, दाल की? इसको गरम करते हो? ब्रेड पकौड़ा, आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा एंड शाही कचौरी। इन्होंने रिव्यू दे दिया अंकल जी ने, अंकल जी ने रिव्यू दे दिया है कि खाना टेस्टी है। यार गुटखा खा के कोई कैसे नहीं बोल सकता, मतलब आप इतना क्यों खाते हो कि आप किसी को जवाब ही ना दे पाओ, क्या फायदा है ऐसे गुटखे का। हमारी सीट पे कोई नहीं बैठता, तो मैंने कहा था और इन्होंने कहा था सीट पे सब लोग बैठते हैं। ये तो उसके बैठे हुए यार। अब मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ यहाँ पर कितनी आबादी है, जो बिना टिकट के बैठी हुई। ये देखिए, यहाँ लोगों के पास टिकट नहीं है और ये एक ही सीट पे कितने कितने लोग बैठे हैं। दर्शन के लिए अभी तो बहुत ऊपर जाना है। केदारनाथ वाली चढ़ाई है, पता नहीं मैं केदारनाथ कैसे जाऊंगी। माल तो हम सबके खराब हो चुके हैं, पर मंदिर की चढ़ाई शुरू कर दी है और बहुत सुंदर व्यू है। चढ़ते चढ़ते थक जाएंगे, बट कोई ना। ये देखिए, और ये 3 बंदर भी बैठे। अभी तो बहुत ऊपर चढ़ना है हमको। आराम से अपनी पेट पूजा करके पानी शानी लेके फिर आए यहाँ पे। तो ये देखो, ये पत्थर रखा है ना, ये गणेश जी की मूर्ति है। देखो उसको ध्यान से देखोगे ना तो इसमें गणेश जी दिखेंगे आपको। चलो चलो इसको चढ़ाओ, बहुत बोझ है।
चलो भाई, दोनों का हाथ पकड़ के चल रही हूँ। कहाँ लेके चल रहे हैं? ऐसे करके मंदिर आएगा, कहीं तो आएगा। फोर्ट कहाँ है? कहाँ लिखा है यहाँ फोर्ट? पता नहीं। ये लक्ष्मी नारायण टेंपल, जैन टेंपल, कालिका टेंपल। हम किधर हैं? हम तो इधर हैं, पर हम गए कहाँ से? ये रहा गणेश टेंपल। ये रहा गणेश टेंपल, ये रहे वो, देखो सब पर बैठ चुके हैं। इससे पता चलता है इनके मोटापा आ चुका है। मोटापे की वजह से इनसे बाहर चला नहीं जा रहा। ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं, 5 मिनट में मंदिर के दर्शन होंगे। पहुंच चुके हैं हम मंदिर, गणेश मंदिर, पंथम बोल के गणेश मंदिर पहुंच चुके हैं हम। हम बिल्कुल सीधी रोड आ गई। अब हम चलते शूट कर सकते हैं। सीढ़ियों पर तो नहीं करा जा रहा था शूट, थक चुके थे। 4 बजे तक लास्ट है और अभी टाइम हो रहा है 3:15। हम लेट हैं पर हमें मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद तो नीचे उतरना है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो जीप खाली चलती है। अभी ये लटक के आया जीप में। अभी ये पता नहीं सतियों पर बैठ के आएगा कि कहाँ जाएगा, हमें नहीं पता। हम तो आराम से अंदर बैठे थे। इसने बोला दया करते हुए, भाभी आप अंदर बैठे, इसको क्या पता था इतनी दूर आएगा और लटक लटक के और आना पड़ेगा मुझे। यहाँ छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं लोगों ने अपने विश्वास पर कि यहाँ इनके सुंदर सुंदर घर बन जाएंगे। इन घरों को बना के कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी विश मांगी जाए पूरी होती है। मेरा तो विश्वास बहुत पहले से है कि जो मांगोगे वो पूरा होगा। तो आप सबको भी दर्शन कराएंगे अगर अंदर कैमरा अलाउड होगा। इन लोगों का तो फर्स्ट टाइम है, मैं तो पहले भी बहुत बार आ चुकी हूँ। वैसे शादी के बाद तो पहली बार आई हूँ, ऑलमोस्ट 4 साल बाद आई हूँ। 4 से 5 साल तो हो ही गए, उसके बाद अब आई हूँ। देखिए सुंदर सुंदर दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये अपने आप में एक आर्ट एंड क्राफ्ट है, लोगों का विश्वास। ये देखिए, बंदर नहीं उठाएगा मुझे। ये देखिए अपने आप में सुंदर सुंदर घर। और ये रहा मंदिर का एंट्रेंस। यहाँ पे लगी हुई है प्रसाद के लिए स्टॉल और यहाँ पर मंदिर के दर्शन का एंट्रेंस दिखाते हैं आपको।